राजनांदगांव जिले से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 6 लाख के दो इनामी नक्सलियों ने समर्पण कर दिया। गढ़चिरौली पुलिस के सामने समर्पण करने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली शामिल है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने लाल आतंक को छोड़ सामाजिक जीवन जीने की इच्छा रखते हुए समर्पण किया। सरकार ने अनिल पर 4 लाख रूपये और रोशनी पर 2 लाख रूपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि दोनों नक्सली साल 2009 में नक्सल संगठन में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया दोनों ही कई मुठभेड़ों और वारदातों में शामिल रहे हैं। इनके खिलाफ जिले के कई थानों में मामले भी दर्ज हैं, लेकिन अब सामाजिक जीवन जीने की इच्छा से इन दोनों ने नक्सल संगठन को त्याग कर समर्पण कर दिया, तो दोनों राज्य और केंद्र सरकार की समर्पण नीतियों का लाभ दिया जाएगा। पुलिस दल के सामने जो माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, माओवाद की खूनी विचारधारा और माओवादी दलम में जो निचले स्तर के कार्डर हैं, उनका सातत्य जो खच्चीकरण होता है, उससे परेशान होकर इन दोनों ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया और गढ़चिरौली पुलिस दल के सामने आत्मसमर्पण किया है।